अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान के हवाले से भी रेसिपी है, और ये ऑरेंजेस आजकल अच्छे आए हुए हैं, बल्कि अब जाने का ही सीज़न है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इनको महफूज करें और महफूज करके इसका स्क्वैश बनाएं घर में, जो कि केमिकल फ्री हो और हर चीज़ से पाक हो, ना कोई केमिकल डलेगा और ना इसमें कोई मतलब जो ना क्या कहते हैं इजाफी कोई चीज़ डलेगी। तो हम घर में ही ऑरेंज जूस बना के और तकरीबन पूरे रमज़ान के लिए हम महफूज कर सकते हैं। बाहर से हम इतने महंगे महंगे लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑरेंजेस ले लिए हैं। कुछ के मैंने छिलके फेंक दिए हैं, कुछ रखे हुए हैं मैंने। और ये माशाल्लाह देखें, इतना जूस मैंने तकरीबन 3 दर्जन कीनू से जो ना निकाला है, क्योंकि निकालना और बार बार दिखाना तो ये भी वीडियो एक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस ये इस तरीके से मैं सारा जूस निकाल रही हूँ। ये देखें इस तरीक़े से ना सारा जूस निकाल निकाल के और मैं इस तरीक़े से ये निकाल लिया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है ऑरेंज जूस। तो हम बना के आराम से बच्चों बड़ों सबके लिए ही एक तरह से बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं इस तरह बना बना के और इसमें डालती जा रही हूँ। अभी हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। चलें जी, मैंने एक स्टील की पतीली ले ली है और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल दिया और चूल्हा अपना जला लिया है। चलें जी देखें, ये हमारा जूस जो निकला है तकरीबन 3 पाव के करीब निकला है ऑरेंज जूस हमारा, और इसमें हम 1.5 पाव के करीब चीनी डालेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि 1 कप के बराबर पानी लिया। कप इतना बड़ा था हमारा, इस साइज़ का कप था, और 1 कप पानी लिया और 1.5 पाव हमने चीनी इसके अंदर डाल दी है। और हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं कि इतना पकाना है कि हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर अच्छे तरीके से। और चीनी अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल रेशो रखा है और नॉर्मल मीठा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीनी इतनी ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा भर के डालेंगे। बस ये बच्चे जो है ना ज़रा शौक़ से पी लेते हैं, तो इसलिए मैंने 1.5 पाव के करीब चीनी डाल दी है इसके अंदर। जी देखें, चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना ऑरेंज जूस डाल देंगे सारा। और बस इसको पकाएंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है और जो ना इस तरीके से जो झाग जब ये आता है ऊपर, तो हम इसको निकाल लेंगे साइड से। बस ये मतलब जो ना क्या कहते हैं ये तरीक़ा अपनाना है बस, कि ये सिर्फ सिंपल से इसमें इतनी मेहनत है कि बस हम ये निकाल लें और हमारा ये ऑरेंज जूस थोड़ी सी देर में बगैर किसी केमिकल के बन के रेडी हो जाएगा। और अच्छा सा बॉयल आ गया। असल में गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बस इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मुझे ना इसका कलर हल्का लग रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा बस जर्दी का फूड कलर ऐड करूँगी, ताकि हमारा ऑरेंज जूस में कलर अच्छा सा आ जाए, बिल्कुल स्क्वैश जैसा, जैसे हम बाज़ार का लेते हैं ना उस तरह का स्क्वैश का कलर आ जाए बस। इसके अलावा और कोई केमिकल इसके अंदर नहीं डलेगा बस। और अब हम इसको पकाएँगे थोड़ा सा, और ये जो हल्का सा झाग है इसको भी हटाएँगे। देखें ये अब हल्का हल्का ना थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, और बस इसको इतना पकाना है कि बस एक मतलब थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो बस इसको मैं 5 मिनट और पकाऊँगी, मतलब तकरीबन ये 15 से 20 मिनट पकेगा, इससे ज़्यादा नहीं पकेगा। तो जी देखें, ये हमारा ऑरेंज जूस जो है ना स्क्वैश जो है बन के रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना बस। और अब हम आखिर में अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। और क्या करेंगे कि ये लीमू है मेरे पास, इस तरह के 2 लीमू हैं मेरे पास, तो मैं 2 लीमू का रस इसी के अंदर डाल देती हूँ और चूल्हा भी बंद कर देती हूँ और ठंडा करते हैं इसे, फिर किसी बॉटल में भरते हैं और आपको दिखाते हैं। जो है ना वो छलनी से मैं छान के और ठंडा कर लूँगी इस तरीके से, और फिर किसी बॉटल में भरूँगी और आपको ये बना कर भी दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त देखें हमारा ये स्क्वैश तैयार हुआ है। जी देखें, ये हमारा ऑरेंज जूस ना ठंडा हो गया। अब मैं इसको किसी भी बॉटल है आपके पास खाली, तो उसके अंदर भरें। ये देखें मेरे पास असल में ना वो डालने वाला नहीं है, रखकर मैं कहीं भूल गई और मिल नहीं रहा है इस वक्त, तो मैं इस तरह करके ना किसी भी डोंगे से आप भर लें इसके अंदर। तो जी ये देखें, ये हमारी एक पूरी स्लाइस जूस की बोतल 1 लीटर वाली, ये हमारी बन के जो है ना वो रेडी हो गई है। और ये देखें, इसका जो है ना वो ढक्कन मैंने किसी और बोतल का लगा लिया, बोतल कोई खाली नहीं थी, तो इस वजह से इसमें डाल लिया। और पूरी देखें ज़बरदस्ती हमारी स्क्वैश की बोतल तैयार हुई है, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ एक गिलास के अंदर। चलें ये देखें, मैंने एक गिलास ले लिया खाली और उसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो ये देखें जी, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें स्क्वैश डाल लिया अपना, और ये चिल्ड पानी है बिल्कुल ठंडा, हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं है, तो मैं ये डाल रही हूँ। और ये देखें बस कितना ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल रियल कलर आया है, रियल जूस भी तैयार हुआ है हमारा। ये देखें
ज़बरदस्त सा ऑरेंज जूस बन के रेडी है। कोई यकीन नहीं कर सकता है, देखें बिल्कुल केमिकल से पाक है। बहुत आसान तरीक़े से मैंने बताया है, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये घर का बना हुआ है या बाहर का बना हुआ है। तो बस मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।